कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज बात करेंगे खाद्य तेल मार्केट के बारे में कि किस तरह से कारोबार आज देखा जा रहा है। हफ्ते की शुरुआत है और साथ ही आज इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से कुछ मार्केट आज बंद भी है, कुछ जो लोकल बाजार है, मंडियां हैं, वो बंद हैं, तो कई जगह पे आपको कारोबार देखने को नहीं मिलेगा। और आज कैसा कारोबार देखा जा रहा है, कैसी शुरुआत हुई है सोयाबीन के मार्केट में, सरसों के मार्केट में, आप उसके बारे में खबरों में आगे विस्तार से जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले सोयाबीन के मार्केट के बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो सोयाबीन में पिछले हफ्ते शुरुआत जो रही सोमवार के दिन 4850 रुपए से हुई थी और शनिवार के दिन 4810 रुपए तक बाजारों में एक रेट देखा गया। ये सोलापुर का रेट रहा। बीते हर सप्ताह के दौरान सोयाबीन में मांग न रहने से लगभग 30-40 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई है। अप्रैल महीने में 5 लाख टन सोयाबीन की आवक दर्ज करी गई। अक्टूबर से अप्रैल के बीच कुल जो आवक रही वो 82 लाख टन के आसपास देखी गई, पिछले हफ्ते से 5 लाख टन से अधिक है। वहीं अक्टूबर से अप्रैल तक 70 लाख टन सोयाबीन की क्रशिंग की गई, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 5% तक की क्रशिंग कम है। किसान स्टॉकर्स और प्रोसेसर्स के पास अब भी 55,41,000 का जो स्टॉक है वो उपलब्ध है। पर्याप्त स्टॉक और खल के साथ साथ सोया तेल में सीमित तेजी मंदी के चलते सोयाबीन में बड़ी तेजी या मंदी देखी नहीं गई। एक्सपोर्ट डिमांड के सुधार से अप्रैल महीने में सोया मील का निर्यात पिछले हफ्ते की तुलना में 12.73% तक बढ़ा। ब्राजील में सोयाबीन की फसल को नुकसान से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन के भाव बढ़े, जिसका लाभ भारतीय सोयाबीन को मिल रहा है। अगले महीने से भारत में सोयाबीन की बुआई भी शुरू हो जाएगी। मानसून इस वर्ष समय से पहले और सामान्य से बेहतर रहने का अनुमान नजर आ रहा है। वहीं MSP की घोषणा भी अगले महीने हो सकती है, जिसके चलते सोयाबीन में यहां से बड़ी मंदी आने की गुंजाइश नहीं है। औसतन क्रशिंग के हिसाब से देखा जाए तो 55 लाख टन सोयाबीन स्टॉक 5 महीने के लिए पर्याप्त होगा। पिछले हफ्ते की तुलना में इस सीजन के अंत में सोयाबीन का कैरी फॉरवर्ड पिछले वर्ष से कम रह सकता है। सोयाबीन में यहां से मंदी आने की गुंजाइश कम है, वहीं बढ़ने के जो आसार हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इसके अलावा सोयाबीन के रेट के बारे में, तो सोयाबीन में जो आज कारोबार देखा गया है घरेलू मार्केट में, उसमें लातूर में सॉवरेन प्लांट का रेट 4780 है, धनराज प्लांट का रेट 4850 है, एडियम प्लांट की 4680 है, विजय प्लांट का रेट 4750 चल रहा है। दुलिया में डिसान प्लांट में 4780 रुपए तक का रेट है। नारायण में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में कीमतें 4670 रुपए देखी जा रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं सोया ऑयल में महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र में जो रेट देखा जा रहा है सोया ऑयल रिफाइंड में, उसमें डिसान प्लांट में रेट 930 है, धनराज प्लांट का रेट 935, एग्रो प्लांट का रेट 945 है, सतगुरु प्लांट में कीमतें 930 चल रही हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में प्रकाश प्लांट का रेट 4770 है, प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4800 हैं, धनका प्लांट का जो रेट है वो 4850 है, सौर्य प्लांट में 4865 रुपये तक का बाजार में यहाँ से रेट देखकर जा सकते हैं। सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में धनका प्लांट में कीमतें 940 हैं, प्रकाश प्लांट का रेट 945 चल रहा है, अभी प्लांट में 942 रुपये तक का रेट है, और महेश प्लांट में 940 रुपये तक की आप यहाँ से बाजारों में कीमतें देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में आज जो सोयाबीन में कारोबार देखा गया है, उसमें ब्राजील सोयाबीन फसल पर मौसम संकट और अर्जेंटीना में उत्पादन 510 से 505 तक जाने की वजह से सोयाबीन में आपूर्ति तंग होने की संभावना रही, जिसके चलते आज बाजार में 20 से 40 रुपए तक की हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार देखा गया। अब इसके अलावा बात करेंगे खबरों में आगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है विदेशी मार्केट में, आज का कीमतें चल रही है, लोकल मिलों में आज कैसा कारोबार चल रहा है, सरसों के बाजार में आज क्या रेट चल रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में खबरों में आगे बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट उतार चढ़ाव तेजी मंदी की जानकारी विस्तार में चाहिए, तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी बाजार के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। तो KLC 3800 से 4000 रेंज के बीच ट्रेड कर रहा है, 3800 मजबूत समर्थन के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके निकट अवधि में टूटने की संभावनाएं कम है। वहीं KLC 4000 के ऊपर टिकने पर 200 से 250 अंक तक की तत्काल बढ़त देखने को मिल सकती है। RSI 40 के स्तर से नीचे नहीं टिक रहा है, जो कि KLC के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो KLC को 3800 से 4000 में व्यापार करने की उम्मीद है, जब तक कि इस रेंज से बाहर निकलने के लिए ताजा ट्रिगर ना मिल जाए। तो विदेशी बाजारों में अगर देखा जाए तो आज बाजारों में तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया गया है, मार्केट में अच्छी आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। विदेशी खाद्य तेल के बाजार में मंदे की संभावनाएं नहीं है, इसीलिए सरसों में भी मंदा नजर नहीं आ रहा है। तेजी की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन गिरावट के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है। रेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो लोकल मिलों में आज बाजारों में बढ़त दर्ज करी गई है। वनस्पति में जो रेट चल रहा है बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम में वो 1660 है, 15 किलोग्राम में कीमतें 1550 से, लीटर पामोलिन में कीमतें आज की
94 रुपए देखे जा रहे हैं। बावर्ची ब्रांड में जो सोया ऑयल में रेट है 15 किलोग्राम में वो 1590 है। सोया ऑयल में जो रेट है 1 लीटर में वो 96 है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1660 रुपए देखा जा रहा है 1 लीटर फॉर्च्यून की कीमत 119 चल रही है। बेस्ट चॉइस में इसके अलावा सोया रिफाइंड में जो 1 लीटर का रेट है वो 93 रुपए है। पामोलिन में जो 1 लीटर कीमत है वो 90 रुपए है। बिनौला में जो रेट है 10 किलोग्राम का वो 990 है। सनफ्लावर का जो रेट है 10 किलोग्राम का वो 950 चल रहा है। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में आज की कीमतें 1500 रुपये चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं राइस ब्रांड का आज का जो रेट है वो 88 रुपये है। सोया ऑयल में जो आज की कीमतें हैं वो 96 है। सोयाडियो का आज का जो रेट है वो 94 है। मस्टर्ड में आज की कीमतें आप देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश में तो 115 चल रही हैं, मस्टर्ड का रेट बढ़ा है। एक्सप्रा में कीमतें 113 है। पामलीन में 93 रुपए तक का आपको यहाँ से बाजारों में रेट देखने को मिल सकता है। खबरों में बात करते हैं इसके बाद सरसों के बाजार के बारे में। सरसों के बाजार में बीते हफ्ते जो शुरुआत देखी गई 5600 रुपए से बाजार खुला था और वीकेंड आने तक 5900 रुपए तक का अच्छा कारोबार देखा गया। तो सीधा सीधा 250 से 300 रुपए तक की बढ़त बीते हफ्ते आपको देखने को मिली। और आज के बारे में अगर बात करते हैं तो आज वीकेंड से भी 50 रुपए तक की अच्छी तेजी के साथ कारोबार देखा गया है। मंडियों में आवक कमजोर बढ़ने से उत्पादन कम होने की अटकलों से सरसों में तेजी का माहौल बना रहा और बाजारों में अच्छी बढ़त के साथ कारोबार देखा गया। एक तरफा तेजी के चलते दोनों ही लक्ष्य उम्मीद से जल्दी आ गए हैं। मई में अगर देखा जाए तो मई की शुरुआत में खरीदारी करने की जो रेंज थी वो 5750 से लेकर 5800 थी और दूसरी जो लक्ष्य था वो 6000 का था। और जो एक तरफा तेजी देखी गई और जल्द ही इन दोनों लेवल को सरसों के बाजार ने टच किया है। तो जल्द ही मार्केट में आपको अब बाजारों में 6000 का भी रेट देखने को मिल सकता है जो कि ज्यादा दूर नहीं है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं 5950 का रेट अभी चल रहा है। जयपुर में दिल्ली में कीमत है 5850, भरवाला का रेट 5500 है। ग्वालियर में आज कीमत है 5700, हिसार का आज का रेट 5600 है। गोलकोटा में कीमतें आज के 5800 चल रही है। और मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्रेस में जो आज जयपुर में रेट है वो 995 है। दिल्ली का रेट 1100 है। भरतपुर में कीमतें 1100 रुपए चल रही है। कच्चेघानी में जो रेट है जयपुर का वो 1105 है। कोटा का रेट 1100 है। भरतपुर में कीमतें 1110 चल रही है। इसके अलावा प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं तो सलोनी शमशाबाद में जो आज का रेट है वो 6350 है। सलोनी डिग्नेर में जो आज का रेट है वो 6350 है। सलोनी अलवर में जो आज की कीमतें हैं वो 6225 रुपये देखी जा रही हैं। सलोनी कोटा में कीमतें आज की जो प्लांटों में देखी जा रही हैं वो 6275 हैं। ओवरऑल आज का ट्रेंड भी पॉजिटिव है। पूरे खाद्य तेल के मार्केट में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। सरसों सीड का बाजार और भी बहुत अच्छा बढ़ सकता है। तो मार्केट में आपको ज़रूरत के हिसाब से आपको हम यहाँ से गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह तो ज़रूर देंगे, लेकिन ऊपरी स्तर से आप टाइम टू टाइम समय आने पर अपना प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल ना भूलिए। आप अपना प्रॉफिट भी यहां से बुक करके ज़रूर चल सकते हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। Thanks for watching Bureau Report News Market 24.